बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं कर सकता जी, बात करें आपका आप उतर जाइए जी। अटेंशन का हमें ये एक याद रखे, देखे एक मिनट मैं आपको बहुत एहतराम से इस चेयर का कोई रिस्पेक्ट है, जिस तरह ये मुझे नाम नहीं आता इसने जिस तरह बिहेव किया, बिलावल साहब आपको उसका नोटिस लेना चाहिए, इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं आपको मौका दे रहा था, ये नहीं है, मैं सिर्फ वो मोशन मूव कर रहा था जी। बिलावल साहब प्लीज। जनाब स्पीकर हम आपका ओहदा का भी एहतराम करते हैं, हम आपका कुर्सी का भी एहतराम करते हैं, हम इस पार्लियामान का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, और हमारा मुझे पता है एसपी रूलिंग है हमारी, ठीक है। हमारा रिक्वेस्ट उतना ही है कि आप भी बड़ा मेहरबानी करके अपना ही कुर्सी का इज्जत करें, अपना ही ओहदा का इज्जत करें आप, और ट्रेजरी बेंचेस का मेंबर्स इस पार्लियामान का इज्जत करें। आपके पास अक्सरियत है, आप हुकूमती जमातें हैं, करना आपने वही है जो आप करना चाहते हैं, मगर काम करते हुए इस कौम से झूठ ना कहा जाए, इस हाउस से झूठ ना कहा जाए, गलत बयानी हुकूमत हुकूमत के तरफ से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन जनाब स्पीकर आपका दफ्तर से आपका ओहदा से हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपना इज्जत करते हुए, अपना ओहदा का इज्जत करते हुए जो बात आप करते हो, जब आप जबान देते हो तो असद कैसर साहब अपना जबान नहीं दे रहा है, द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अपना जबान दे रहा है, और जब व्हेन द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान राइटिंग में ऑपोजिशन के साथ तय करता है कि जो भी लेजिस्लेशन जॉइंट सेशन में लाया जाएगा उस पर पहले बात की जाएगी, जब पूरे कौम देखता है कि हुकूमत के वज़रा और स्पीकर साहब दोनों कह रहे हैं कि हम लेजिस्लेशन पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लेजिस्लेशन पे कंसेंसस बनाना चाहता है, तो उनको ये नजर आना चाहिए कि स्पीकर साहब भी वो कंसेंसस पैदा का कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के वज़रा भी वो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हुकूमत ऑपोजिशन और अवाम को धोखा दे रहे हैं तो फिर उस जुर्म में, उस झूठ में आपका ओहदा को, आपका दफ्तर को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जितना सख्त मज़ाहमत के साथ हम इस प्रोसीजर पे एतराज कर सकते हैं, हमने आपके पास वफद भेज के एतराज किया है, इन राइटिंग में एतराज किया है, और आज पूरा का पूरा यूनाइटेड ऑपोजिशन नेशनल असेंबली का फ्लोर पे खड़ा होकर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये सेशन और दूसरे सेशंस चलाए जा रहे हैं वो पार्लियामान को और जमहूरियत को अंडरमाइन करते हैं। मैं जॉइंट सेशन का तरीकेकार के बाद आपकी जो मेन आइटम्स हैं इस एजेंडा पे, जो हमारे एतराजात हैं वो हम जरूर रिकॉर्ड पे लाना चाहेंगे, आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से और जिस अंदाज से इस हुकूमत ने यक तरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान की तारीख ने नहीं देखा है कि एक हुकूमत पहले अज खुद ऑर्डिनेंस के थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करे और अब वो बुलडोज करके इस ऐवान से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जबरदस्ती पास करवाना चाहते हैं। जैसे कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने कहा, हमने मियां साहब के दौर में देखा, जब मियां साहब को 2/3 मजॉरिटी दी गई, अगर
उस वक्त का हुकूमत ये यक तरफा फैसला करता कि उन्होंने अपना अक्सरियत इस्तेमाल करके जबरदस्ती कानून साजी करना है, जबरदस्ती इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वो ये फैसला करते कि आईन में तरमीम लेकर आना है और मेंबरान पार्लियामान वॉइस वोट से इलेक्ट मुंतखब हो जाएंगे तो हमें उनका फैसला मानना पड़ता, मगर इन्होंने बड़ा दानिशमंदी से एक पूरा कंसेंसस उस वक्त जब आपका जमात इतना सख्त स्टैंड ले रहा था, हमने फिर भी उस माहौल में सब मिल बैठ के एक ऐसा कानून साजी किया जिस पे नून लीग भी मुत्तफिक, जिसमें पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक, जिसमें जेयूआई और बाकी जमातों भी मुत्तफिक, और सबसे भरकर पीटीआई और पीटीआई के कारकुन और आज के जो वजीर है वो भी मुत्तफिक थे। आप इस किस्म का कदम आज भी उठाते, आपके इत्तेहादी एक पुल का किरदार अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अपना लेते तो आज हम आपके सामने बैठ के जो पोर्शंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जिसपे नून लीग मुत्तफिक है, जिसपे हम मुत्तफिक है, हम आपके साथ कानून साजी कर रहे होते। और अगर हम सब मिलके कानून साजी करते तो अगला इलेक्शंस मुतनाजा नहीं होते, अगला इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट होते, ये खान साहब का कामयाबी होता। मगर आज जो आप करने जा रहे हैं, जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का 34 पॉइंट्स का एतराजात के बावजूद कर रहे हैं, अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं, हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं मानते हैं, हम आपको ऐसे इलेक्शन नहीं करने देंगे, और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जब तक उनका एतराजात है तब तक हमारा एतराजात है। आपसे एक मासूमाना सवाल है जनाब स्पीकर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हक पार्लियामान में है, नेशनल असेंबली में है, आपके सामने उस दीवार पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला मौजूद है मगर काम नहीं करता। हम पार्लियामान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कर सकते मगर इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि 20 महीने के अंदर अंदर किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का हर पोलिंग स्टेशन में एक ऐसा कंप्यूटर लगाएगा जिसके तहत हम इलेक्शन करवाएंगे। आप आज से इलेक्शंस को मुतनाजा बना रहे हैं, हम आपसे अपील करते हैं आप अपना ओहदा का इज्जत करें, आप अपना ही बात पे आ जाए, जो बात अपने राइटिंग में हमसे दिया था आज भी हम बैठते हैं, कल भी हम बैठते हैं, क्या जल्दी है हम मिल बैठ के एक ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए जिस पे ना मैं एतराज कर सकता हूं ना शहबाज शरीफ साहब एतराज है, जो इलेक्शन जीतता है उनका हुकूमत बने। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तो सवाल नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी जबरदस्ती कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है कि वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी का है, ये तहफ्फुज़ और ये प्रोटेक्शन वोटर लिस्ट को और इलेक्शन कमीशन को आईने पाकिस्तान देता है। आपका आज कोशिश है कि कानून साजी के थ्रू आप आईन के खिलाफ वर्जी करें। आप कैसे कानून साजी के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन से छीन कर एक हुकूमती अदारा को नादरा का देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज अपना अक्सरियत इस्तेमाल करके ये पास भी कर ले, मैं आपको बता रहा हूं, हुकूमत के बेंचेस को बता रहा हूं, हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे, हमने ये आईने पाकिस्तान बनाया है जनाब स्पीकर, और आपका ये
जो कानून है जो पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसको हम चैलेंज भी करेंगे और अदालत में डिफीट भी करेंगे। आपका ये एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत को इतना कंट्रीब्यूट करते हैं उनको वोट का हक देना चाहते हैं, उनका नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। ये इस मौकिफ का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, इस मौकिफ का हमायत मुस्लिम लीग नवाज ने भी किया है, मगर आप इसके बावजूद यक तरफा जबरदस्ती अपने तरीका का कानून साजी करना चाहते हो। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हम भी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देना चाहते हैं, नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। आजाद कश्मीर में उनका एक तरीकेकार है कि वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी का नुमाइंदगी अपना पार्लियामेंट में करते हैं। हमारा अपील था कि जैसे आजाद कश्मीर में होता है वैसे पाकिस्तान में हो, जैसे आजाद कश्मीर के नुमाइंदे बिरूने मुल्क पाकिस्तान बिरूने मुल्क कश्मीरियों को नुमाइंदगी देते हैं वैसे हम भी दे सकते हैं, मगर हम आपका तरीका कैसे मान सकते हैं, आपका सजेशन को कैसे मान सकते हैं, जब आप कह रहे हो कि जो पेरिस में पाकिस्तानी बैठा होगा, जो कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी बैठा होगा, जो ब्रिटानिया में पाकिस्तानी बैठा होगा, वो कबायली इलाकों के, वो बलूचिस्तान के, वो हमारा कराची के फैसला करे, उनका अपना नुमाइंदा हो, उनका अपना इलेक्टोरल कॉलेज हो जो जिसके तहत वो ओवरसीज पाकिस्तानी का नुमाइंदगी करे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो, वोट कैलिफोर्निया में डले और वोट निकले सिबी से। ये उन पाकिस्तानियों जो इस हुकूमत की तारीखी महंगाई भुगत रहे हैं, जो इस हुकूमत का तारीखी बेरोजगारी और तारीखी गुर्बत भुगत रहे हैं, उनका आवाज डायल्यूट करने की कोशिश है, उनके आवाज दबाने की कोशिश है। इसमें हम हुकूमत को कैसे कामयाब होने देंगे जनाब स्पीकर? आप इस जॉइंट सेशन में पाकिस्तान के अवाम के वोट पे डाका मार रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना कल किसी को यह इजाजत दी गई है, ना आज हम किसी को इजाजत देंगे कि ये काम इस तरीके से हो। इस हुकूमत का बदनीयती पे बिबनी एक कोशिश कुछ सालों से चल रहा है कि वो कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाए। उन्होंने पहले रात के अंधेरों में किसी को बताया बगैर ऑर्डिनेंस निकाल के एक भारत की जासूस को फायदा पहुंचाने की कोशिश किया, मगर उस भारत की जासूस ने आपका ऑर्डिनेंस का फायदा नहीं लिया, आपका एनआरओ का फायदा नहीं लिया, तो आज आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तोहीन कर रहे हो। आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हो कि उस भारत की जासूस को हम एनआरओ दिलवा दे। हम आपसे मुतालबा करते हैं, अगर आपने किसी को रिलीफ पहुंचाना है तो वो पाकिस्तान के गरीब अवाम जो गुर्बत की वजह से परेशान है, जो महंगाई की वजह से तकलीफ में है, जो बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है, उनको आप रिलीफ पहुंचाए। आज भी हम आपके साथ देने को तैयार हो। पेट्रोल की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। गैस की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। लेकिन ये कैसे आप उम्मीद रख सकते हो, ये कैसे आप उम्मीद रख सकते हो कि हम आपको इजाजत भी देंगे कि आप इस ऐवान को इस्तेमाल करके भारत का जासूस कुलभूषण यादव, जिस पे पीटीआई के कारकुन इलेक्शन से पहले उसका नाम लेके सियासत करते थे, अब हुकूमत में आके उसको एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आखिर पॉइंट, आखिर दो पॉइंट्स पर मैं खत्म कर रहा हूं। आपने आईएमएफ की हुक्म मानते हुए, आईएमएफ की गुलामी करते हुए, उसी आईएमएफ का
जिसके बारे में वजीर आजम ने इलेक्शन से पहले कहा था, वजीर आजम ने मुल्क से वादा किया था कि आईएमएफ के पास जाने से पहले वो खुदकुशी को तरजीह देगा। अब 3 साल हो चुके हैं, इस पीटीआईएमएफ डील का बोझ आम आदमी उठा रहा है, अपने खाने पीने के अशिया की बिल की सूरत में, अपने दवाइयों की कीमत में बिल की सूरत में। आम पाकिस्तानी आपके गलत पॉलिसीज, आपकी मुआशी पॉलिसीज की वजह से आज मुश्किल में हैं, और आप इस पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके आईएमएफ का गुलामी करते हुए पाकिस्तान का स्टेट बैंक को, पाकिस्तान के स्टेट बैंक को आईएमएफ के नीचे ले आना चाहते हो। पाकिस्तान का स्टेट बैंक पार्लियामेंट का जवाबदेह होना चाहिए, पाकिस्तान का स्टेट बैंक नेशनल असेंबली और सेनेट का जवाबदेह होना चाहिए, अदालती निजाम का जवाबदेह होना चाहिए। आप ये कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक आईएमएफ को जवाबदेह होगा, मगर पार्लियामेंट से बालतल होगा, सेनेट से बलतर होगा, नेशनल असेंबली से होगा, अदालत भी उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकता, तो हम ये कैसे मान सकते हैं? हम ये कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो पार्लियामेंट से बलतर है। आप आईएमएफ के कहने पे पार्लियामेंट के हाथ नहीं बांध सकते हो, यह भी आपका कोशिश नाकाम रहेगा। हम आपका इस कोशिश को भी इंशाल्लाह ताला अदालत के सामने चैलेंज करेंगे जनाब स्पीकर। और जो मेरा आखिरी पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में है, जो आपने बड़े मेहरबानी से हमारा जॉइंट सेशन का एजेंडा का आखिरी आइटम पे, आइटम नंबर 60 पे सेंसस के बारे में पॉइंट उठाए है। इसके बारे में मुझे आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑन टू द रेकॉर्ड ऑफ द हाउस कि किस तरीके से इस कानूनी प्रोसेस का भी नॉर्म्स और रूल्स फॉलो नहीं किया गया। आई वुड लाइक टू रिमाइंड द हाउस के इलेक्शन से पहले जो मुतनाजा सेंसिस करवाया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में एतराज किया, एहतजाज किया कि ये सेंसिस ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये सेंसिस दुरुस्त नहीं है। हमें कहा गया कि अगर सेंसिस को इंटरम अप्रूवल नहीं दिया जाता तो इलेक्शंस डिले होंगे, शायद इलेक्शंस होंगे ही नहीं। तो इस शर्त पे हमने इंटरम उस सेंसिस को उस इलेक्शन की हद तक माना था, मगर साथ साथ ये मुतालबा डाला था कि एक स्पेसिफिक पोर्शन का रीचेक किया जाएगा, और उस रीचेक के फिगर्स अगर सेंसिस से मैच नहीं करते तो हम सेंसिस से एक बार फिर करवाएंगे। कुछ महीने पहले इन द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहां सारे सूबे के नुमाइंदगी है, और सेंसिस का बात एक बार फिर उठाया गया, तो सूबा सिंध ने ना सिर्फ सूबा सिंध का नुमाइंदगी करते हुए, मगर साबिक कबायली इलाके के एतराजात भी मौजूद है, बलोचिस्तान के एतराजात भी मौजूद है, हमने उस फोरम पे भी अपना एतराजात रिकॉर्ड किए, मगर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कि सारे सूबे के कंसेंसस के साथ सारे फैसले करते हैं, माजी में हर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो मीटिंग है वो कंसेंसस के साथ फैसले किए, लेकिन पिछले मीटिंग में उससे पहले जब ये सेंसस का इशू उठा तो तारीख में पहली बार कंसेंसस से नहीं, मेजॉरिटी वोट से ये गलत सेंसस, ये मुतनाजा सेंसस को अप्रूवल दिया गया। हुकूमत सिंध ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1547 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ग्रीफ पार्टी को हक देता है कि उनका कोई शिकायत,
वो पार्लियामान को लिख के रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही वो खत स्पीकर को मिलेगा, वो फौरन पार्लियामान के हर मेंबर के पास उस सुबह का एतराजात पहुंचाएगा और अगला ही जॉइंट सिटिंग में उस इशू पे डिबेट होगा। ना जनाब स्पीकर, आपका अपना ऑर्डर ऑफ बिजनेस के मुताबिक कहा जा रहा है कि आपने सुबह सिंध के एतराजात मेंबर के दरमियान सर्कुलेट किए हैं, मगर मुझ तक वो एतराजात नहीं पहुंचे हैं, किसी एक ऑपोजिशन का मेंबर तक नहीं पहुंचे हैं, तो फिर हम कैसे इस मौजू पे डिबेट करेंगे? और ये मौजू कब तक डिले हो चुका है जनाब स्पीकर? आपका 1974 रिकॉर्ड में आपके सामने रखूंगा जो आपके पूरा रिकॉर्ड आप जरूर रखे, लेकिन ये हमारा हक है, हमसे नहीं छीना जा सकता है। आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पहले सेंसिस पे जबरदस्ती अप्रूवल लिया है, ये मुतनाजा सेंसिस बलोचिस्तान का हक पे डाका है, सुबह सिंध के हक पे डाका है, यूनाइटेड नेशंस के अपने रिपोर्ट के मुताबिक जो हर घर का एवरेज पॉपुलेशन है उनका नंबर्स और जो हुकूमत पाकिस्तान के नंबर्स है उसमें तनाजा है। नजर आता है कि एक दो सूबों में यूएन के फिगर्स और सेंसिस का फिगर्स मैच करते हैं, मगर जब सुबह बलूचिस्तान की बात आता है या सुबह सिंध की बात आता है तो वो जो यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन है सेंसिस उससे कम दिखाता है। ये हमारा वोट पे भी डाका है, हमारा वसाइल पे भी डाका है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस किस्म की नाइंसाफी ना सेंसिस के इश्यू पे होने देंगे। और जनाब स्पीकर, इन द लास्ट सीसीआई मीटिंग एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख में यक तरफा फैसला किया गया, मेजॉरिटी और वोटिंग के मुताबिक फैसला किया गया। इस बार पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक सुबह सिंध के एतराजात थे, उस पे भी हमने अपना डिसेंटिंग नोट रिकॉर्ड किया, उस पे भी हमने आपको अपील किया है और उसका रिस्पॉन्स का भी हम मुंतजर है। बहुत जरूरी है कि एक संजीदा डिबेट इस हाउस में हो, सेंसिटिव इश्यू पे इस हाउस में डिबेट हो, इस मुल्क का एनर्जी पॉलिसी के इश्यू पे। और मैं अफसोस का इजहार करता हूं कि पूरे मुल्क मुश्किल में है, हर आदमी मुश्किल में है, और वो पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं, वो सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि हम उनके उनके मुश्किलात का हल निकाले, उनका मसाइल का हल निकाले। और उनको क्या नजर आ रहा है कि हुकूमत महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल निकालने के बजाय जबरदस्ती ईवीएम्स पास करके धांधली करने की कोशिश कर रहा है, कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस पास कर रहा है, आईएमएफ की गुलामी कर रहा है। ये पाकिस्तान के अवाम का वोट पे डाका है, पाकिस्तान के अवाम की जेब पे डाका है, पाकिस्तान के अवाम के पेट पे डाका है। और मुतहद ऑपोजिशन आपके खिलाफ इस हाउस में एहतजाज करेगा और हाउस के बाहर भी एहतजाज करेगा, अदालत तक पहुंचेंगे, पर आपको इस किस्म का जुल्म नहीं करने देंगे। और आखिरी बार जनाब स्पीकर, प्लीज अगर आप अपना ओहदा का इज्जत नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है? थैंक यू। असद महमूद साहब।